कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। मध्य प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 832 नए मामले दर्ज किए गए और 2 की मौत हुई। सबसे ज्यादा 232 केस इंदौर में और इसके बाद 196 केस भोपाल में दर्ज हुए। फिलहाल मध्य प्रदेश में कुल 5,616 एक्टिव केस हैं। इंदौर में और भोपाल में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इंदौर में बुधवार को 294 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल इलाजरत मरीजों की संख्या 1,865 हो गई। जब से इंदौर में कोरोना के यूके स्ट्रेन के 6 संक्रमित सामने आए हैं, तब से यहां पर कोरोना के केसेस में रफ्तार देखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और नियमों का पालन करने की अपील भी की है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की आवाजाही अस्थायी रूप से 20 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।